विधानसभा सत्र की कार्यवाही का दूसरा दिन और सदन में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला का संबोधन, जिसे हम बार बार जिक्र कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मिलकर हर विषय पर बढ़ने की कोशिश रहेगी। रोजगार में 75% हिस्सेदारी युवाओं को मिले, साथ ही पानी की समस्या को दूर करने की भी कोशिश रहेगी, ये कहा दुष्यंत चौटाला ने। करेंगे आगे बढ़ने की। कई साथियों ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के इस गठबंधन की जो बातें उसके वो इस अभिभाषण में देखने को नहीं मिला। अभी ये गठबंधन सरकार बने जुमा जुमा 8 दिन 9 दिन हुए हैं और इसके अंदर हमारा प्रयास रहा है कि मिलकर हर विषय पर हम बढ़े। मैं तो चाहता था कि कोई साथी खड़ा होकर धन्यवाद करता कि सरकार ने ये निर्णय लिया कि एग्जामिनेशन सेंटर्स 300 किलोमीटर दूर नहीं होंगे, 50 किलोमीटर के रेडियस के अंदर होंगे, मगर उसके प्रति ये कहते हैं कि दोनों की तरफ से क्या कदम होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आज इस सदन के अंदर भी हमारा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो दोनों पार्टियों का है, प्रोफेसर साहब कादियान साहब ने बड़ी अच्छी तरीके से गिनवाई भी 420 घोषणाएं। मैं आपके साथ साझा करूं कि लगभग हमारी जो घोषणाएं हैं और भारतीय जनता पार्टी की घोषणाएं 72 ऐसी घोषणाएं हैं जिसके अंदर कोई ज्यादा अंतर नहीं है। थोड़ा बहुत बजट वेरिएशन हो सकती है और उसके ऊपर आप विश्वास रखिएगा कि आज कमेटी भी बनाएंगे और उसके ऊपर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को मजबूती से आगे ले जाने का काम भी करेंगे। जहां बात आती है फार्मर की, बहुत से ऐसे साथी हैं जो बारी बारी जीरी की परचेज पर बात उठाते हैं। हमारा प्रयास है पहले दिन का, पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर मुख्यमंत्री जी और मैंने मिलकर ये फैसला लिया था कि बिल तो कट जाते हैं मगर उन बिल के माध्यम से गोदामों के अंदर सामान नहीं जाता, और सामान जब एक साल बाद रिकॉर्ड दिखाना होता है तो बिहार से मध्य प्रदेश से सस्ते दाम पर लाकर लोड किया जाता है। तो मैं तो चाहूंगा विपक्ष में बैठे एक एक साथी से कि आप बताइए कि कौन सी मंडी के अंदर आज के दिन धान पड़ी है और किस गोदाम के अंदर धान नहीं पहुंचा, उसकी पूरी तौर पर हम इंक्वायरी भी कराने का काम करेंगे। जहां बात फार्मर की आई है, बिल्कुल प्रधानमंत्री का एक विजन रहा है कि 20-22 तक फार्मर की इनकम को डबल करना है, मगर सारे साथी खड़े होकर कहते हैं कैसे करोगे। मैं तो कहता हूं आप लोग भी सुझाव दो, हमारे डी कंपोजर पर 20 रुपए की बोतल पर इतना बड़ा मुद्दा बना सकते हो तो सुझाव देने में तो कोई समय नहीं लगता। मैं जहां यूथ एंड एम्प्लॉयमेंट की बात है, हमारी सरकार का प्रयास है कि जहां 75% रोजगार के अंदर हिस्सेदारी हरियाणा के युवाओं की हम देने का काम करेंगे, वहीं मैं चाहूंगा कि जो जो जैसे प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि बेरी का गर्ल्स कॉलेज पेंडिंग है, मुझे लगता है सर 3 टर्म तो आपकी आज विधायक होगी, 2 बार हुड्डा साहब के टेंड्योर में थी और 1 बार मनोहर लाल जी के टेंड्योर में थी, और 4th टर्म है जब ये घोषणा पूरी नहीं हो रही, और मेरे को लगता है उससे पुरानी मांग। और अंत में मैं जरूर, कई ऐसी बातें हैं जो हमारे दोनों संगठनों की मिलकर कर्मचारियों के लिए भी है, और खास तौर पर क्योंकि हरियाणा का बॉर्डर पर खड़ा हर 10वां जवान हमारे प्रदेश का है, बहुत बड़ी हिस्सेदारी मिलिट्री पैरामिलिट्री में हमारे प्रदेश की है, ये विश्वास मैं उनको दिलाता हूँ कि हम मिलकर काम करेंगे। जो मिलिट्री के साथियों को सुविधाएं मिलती हैं, आज पैरामिलिट्री के बहुत से ऐसे साथी हैं जो उनसे वंचित रहते हैं, हमारा प्रयास रहेगा कि 5 साल के अंदर मिलकर हम उनको भी वो सुविधाएं प्रदेश की ओर से उपलब्ध कराने का काम करें। और मैं उम्मीद करूँगा अध्यक्ष महोदय कि अब 5 साल इस सदन को इसी तरीके से प्रदेश की उन्नति और प्रगति, क्योंकि अगर हम इतिहास उठाकर देखें तो 1966 से सरकारें बहुत रही, विधानसभाएं
के लीडर बहुत रहे, कहीं शॉर्ट टर्म रहे, कहीं लॉन्ग टर्म रहे, स्टेबिलिटी रही, अनस्टेबिलिटी रही, मगर ये प्रयास रहा सबका कि हरियाणा आगे बढ़े और हम इस उम्मीद के साथ आज इस गठबंधन में खड़े हैं कि हरियाणा को स्टेबल और प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट दी जाए जिससे हरियाणा प्रदेश उन्नति और प्रगति के पथ पर चले। दोबारा आपने मुझे बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। 2005 का घोषणा पत्र उठा के देखो, पांच की बातें नहीं की मेरी बात सुनो आप, पांच की बात नहीं की।